तो गाइस आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में टिप टिप बरसा पानी वाले जिस वीडियो को देखा, अगर आपको भी अपना फोटो का इस तरह से वीडियो एडिट करना है तो कुल आपको 15 या 17 फोटो का जरूरत पड़ने वाला है, जिन फोटो के हेल्प से आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो यार एडिट करने के लिए भी आपको यहाँ पर दो ऐप का जरूरत पड़ने वाला है, पहला ऐप का टर्बो ओपन, दूसरा है कपकेट। तो सबसे पहले आप टर्बो ओपन को कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आपको इसको ओपन करना है कपकेट ऐप को। जब दोस्तों आप इसको ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं साथियों मेरे गैलरी में जितने सारे वीडियो हैं वो गाइस आपको यहाँ पर पहले दिख रहा होगा। अभी आपका जो फोटो वाला ऑप्शन है आपको फोटो वाले सेक्शन में चले जाना होगा। जाने के बाद अभी आपके जिस भी फोल्डर में आपका फोटो है उस वाली फोल्डर को ओपन करके आपको यहाँ पर अपना 15 या 17 फोटो को जैसा मैंने पहले ही आपको कहा है सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए मेरा यहां पर 17 फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूं। अभी आपको नीचे में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन को थोड़ा सा अगर स्लाइड करोगे तो आपको यहां फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाली फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप अपना फोटो को अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से आप अपना फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा। मेरे जितने सारी फोटो है उन सारे फोटो को दोस्तों मैं फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ। आपका फोटो भी अगर एडजस्ट नहीं हुआ होगा तो कुछ इस प्रकार से अपनी फोटो को आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यार जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने सारे फोटो को यहाँ पे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लिया हूँ। अभी आपको लास्ट में एक बैकग्राउंड मिलता है, जिस बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर डिलीट कर देना होगा। डिलीट कर देने के बाद आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले ऐड ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आपको इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने इस वाले वीडियो का लिंक दे के रखा है। आपको इस वाले वीडियो को आपको वहाँ पे डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं साथियों जो वीडियो का ऑडियो है यहाँ पर आ चुका है। अभी आप अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से वीडियो को हल्का से जूम कर लीजिएगा। जूम कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको जो म्यूजिक है इसके हिसाब से अपने सारे फोटो के यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो फर्स्ट वाला जो फोटो है इसका ड्यूरेशन को इतना रख के बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को गाइस आप यहाँ पे कुछ इस तरह से डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट कर देने के बाद अभी आपको जो नेक्स्ट वाला फोटो है उसका ड्यूरेशन को आपको इतना रखना है। देन फाइल पर क्लिक करके स्पीड के ऑप्शन का पे क्लिक करके बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहां से हटा लीजिएगा। इस तरह से मैं अपने सारे फोटो के यहां पे पहले एडजस्ट कर लेता हूं, उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मैं अपने सारी फोटो के यहां पे म्यूजिक के टोन के हिसाब से यहां पर एडजस्ट कर दिया हूं। एडजस्ट कर लेने के बाद आपका जो फर्स्ट फोटो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके नीचे में यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको नीचे में यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, अभी आपको यहाँ पे इन को सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर सिलेक्ट करोगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने एनिमेशन आएंगे। अभी आपको यहाँ पर जो एनिमेशन अच्छा लग रहा है उस वाले एनिमेशन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। देन कुछ इस प्रकार से इसको आप फुल पे आप कर दीजिएगा। अभी आपको नेक्स्ट वाले फोटो में क्लिक करना होगा, सेम उसी वाले इन एनिमेशन को सिलेक्ट करके आपको जो भी आपको यहाँ पे इफेक्ट अच्छा लग रहा है उस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपने सारे फोटो में गाइस यहाँ पर जो इन एनिमेशन है उसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने सारे फोटो में यहाँ पे एनिमेशन को अप्लाई कर दिया हूँ। अभी अगर अपना वीडियो जो होगा प्ले करके देखोगे तो आपका जो वीडियो लैग करेगा। तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूँ कि आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना वीडियो को एक्सपोर्ट कीजिएगा। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप अपना अगर वीडियो को आप यहाँ प्ले करके देखोगे तो आपका जो वीडियो है गाइस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।